हेलो फ्रेंड्स, खाओ पियो की आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं नमक पारे। ऐसे नमक पारे जो बहुत खस्ता होंगे, बहुत क्रिस्पी होंगे, बहुत टेस्टी होंगे। चाय के साथ जब उसको सर्व किया जाएगा तो उसकी बात ही अलग होगी। जो नमक पारे होते हैं उनको हम अक्सर चाय के साथ सर्व करते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम अपने खस्ता नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए एक बर्तन। तो उसके लिए हम सबसे पहले 1 कप मैदा ले लेते हैं। अब इसमें डालते हैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक। अब इसमें ऐड करते हैं अजवाइन। अजवाइन जो होती है वो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट में गैस नहीं बनने देती है। अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालते हैं। देखिए, मैंने अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसको मैं आपको अच्छी तरह से मिक्स करके दिखाती हूँ। जब ये इस तरह से मुट्ठी बननी शुरू हो जाए ना, तो आप समझिए कि अच्छी तरह से मोइन गिरा है। अगर आपकी ये नहीं बनती है तो आपको थोड़ा सा और इसमें ऑयल डालना पड़ेगा। देखो किस तरह से ये एकदम मुट्ठी बनकर तैयार हो रही है, और जब मैंने ये नीचे की तरफ भी गिरी है ना, तब भी एकदम जुड़ी हुई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं और इसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। एक साथ आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है इसमें, कई बार फिर ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा, हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए। जैसा रोटी बनाते हुए आटा तैयार करते हैं, हमने बिल्कुल ऐसा ही तैयार करना है। बिल्कुल रोटियों वाला आटा बनकर तैयार हुआ है, जैसे हम रोटी बनाते हैं। अब हम सबसे पहले इसका एक रोल बना लेते हैं। इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। अब इसकी तीनों की मैं लोई तैयार कर देती हूँ। देखिए, हमारी तीनों लोइयां बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमने इन तीनों को बेलना है, तो हम अपना एक एक करके इनको बेल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने चॉपिंग बोर्ड पे हल्का सा तेल लगा लिया है। हमने इसमें सूखा आटा इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसको आप अच्छी तरह से, जितना पतला हो सके आप इसको अच्छी तरह से बेल लें। देखिए कैसे एकदम मैं इसको कैसे पतला बेल रही हूं ना। ये गोल बने ना बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कोई गोल रोटी नहीं बना रहे हैं। हम इसको कटिंग करके हम इससे नमक पारे बनाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको जैसे ही डायरेक्शन में ये बिल रहा है, आप इसको बेलते रहें। पतला पतला अच्छी तरह से इसको बेल दिया है, और इसके अंदर जो अजवाइन गिरी हुई है वो कितनी अच्छी लग रही है। अब इसको हम अपने चाकू की हेल्प से इसे काट लेते हैं। आप चाहें तो इसे पिज्जा कटर से भी आप इसको काट सकते हैं। देखिए, मैं इसको पतली पतली स्लाइसेस में काट रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी मोटी रख सकते हैं, या इसका जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे शेप की आपको चाहिए आप उस शेप की इसको बना लें। मैं इस तरह से इसको काट रही हूँ। अब दूसरी तरफ से भी हम इसकी जितनी बड़ी आपने रखनी है, आप उतनी बड़ी बड़ी उसकी नमक पारे अपने रख लें। कट गए ये हमारे, देखिए ये हमारे अच्छी तरह से कट कर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको एक बर्तन में डाल लेते हैं। हमने ऐसे ही करके अपने जितने भी, जो हमने जो तीन लोइयां तैयार की थी ना, वो तीनों के हमने ऐसे ही बना बना कर इकट्ठा कर लेते हैं। इस बर्तन में जब हम गेर रहे हैं ना, तो आप ये ना सोचना कि ये चिपक जाएंगे, चिपकते नहीं है। हमने आटे को अच्छी तरह से गूंदा था, तो ये चिपकेंगे नहीं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये अंदर चिपक गए होंगे, मतलब जब एक साथ गिरेंगे तो चिपक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे आगे देखते रहिए, आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है वो सारी आगे आगे जाके खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक दिखा देती हूँ कितना पतला मैंने इसको बेला है, कितनी इसकी थिकनेस है, ये देख लीजिए आप। अब सबसे पहले
हम अपनी कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। हमने अपनी गैस को मीडियम टू लो रखना है। हमारा जो तेल है वो बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, ये हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। गैस हमने पूरे अपने उसमें मीडियम टू लो ही रखनी है। अब देखिए मैं इनको इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी ये आपस में कैसे चिपके हुए हैं ना, तो लेकिन अभी थोड़ी देर में देखिए ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो आपने इसको बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है। गैस हमने अपनी मीडियम टू लो ही रखनी है। अगर आपकी जो फ्लेम है ना वो हाई होगी तो ये इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इतने खस्ता नहीं बनेंगे। आपने इसका यही ध्यान रखना है कि ये धीरे धीरे कम आंच पे धीरे धीरे पकें। जितना ये कम आंच पे धीरे धीरे पकेंगे उतना ये क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। देखिए जो हमारे ये नमक पारे हैं इनका कलर चेंज हो गया है, एकदम इन पे ब्राउन शेड आ गई है। बस हमें ऐसा ही कलर इसका चाहिए था। अब हम इनको निकाल लेते हैं। हम इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत खस्ता नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए एक कप हमने मैदा लिया था, उस एक कप मैदे से कितने सारे नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। आपको मैं एक तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कैसे एकदम क्रिस्पी आवाज आ रही है ना, एकदम एक एक पीस बड़े प्यार से और एकदम आवाज के साथ टूट रहा है। जिस ढंग से ये क्रिस्पी है उस ढंग से ये खस्ता भी है। तो मैं तो अब बस चाय बनाकर इन्हें चाय के साथ खाने वाली हूं। तो आप भी इन्हें अपने घर पर बनाइए, चाय के साथ इंजॉय कीजिए। फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।